दोस्तों, कुछ वनस्पतियों में इतने दिव्य गुण होते हैं जो कई रोगों को नष्ट कर देते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक साग है, पथरी का साग। ये आम घास की तरह ही उगते हैं हमारे आसपास। ये दिखने में कुछ इस तरीके होते हैं और ये जो पुनर्नवा का जो पौधा होता है, ये उसी की एक प्रजाति है। पुनर्नवा आपने सुना ही होगा, जो पूर्ण तरह से आपको पूरी तरह से एक नया जीवन दे देगा, बिल्कुल वैसा ही काम यह घास करता है। लोग इसका अक्सर काढ़ा बनाकर भी पीते हैं। हिस्सों में इसे विष खपरा भी कहा जाता है और कई जगह पे इसकी साग बनाई जाती है। यह जो साग है, ये हमारे पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ खेती होती है और ये बड़ी ही आसानी से बाकी जो घास है उनके साथ उगाती है। और इसे इस तरीके से तोड़कर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग इसको उबाल कर इसका साग पीते हैं और जो पानी बच जाता है उसको काढ़ा की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे पथरी का साग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पथरी के इलाज में पुराने समय में इस्तेमाल किया जाता था। तो यूरिन वाले रास्ते से पथरी जो है, स्टोन जो है, गलकर निकल जाती है अगर हम इसका डेली इस्तेमाल करें तो। साथ ही साथ ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ही अच्छा बना देता है। इम्यूनिटी बूस्टर की तरह आप इसको रोज़ ले सकते हैं। किसी को आस्थमा का अटैक आता है तो आस्थमा के लिए भी ये बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद है। आपकी बॉडी में अगर कोई चोट लगी है, अंदरूनी चोट है, जैसे हड्डी में या सर पर, तो ये सूजन को अंदर से कम करता है, ब्लड को पतला करता है ताकि ब्लड फ्लो अच्छा रहे। शरीर में कोई भी घाव है तो ये पत्ती को आप लगा सकते हैं पीस कर। इसके अलावा भी ये हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ही अच्छा करता है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें।